रंजीत नगर इलाके में बुधवार शाम को तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई, जिसकी पहचान 24 साल की अर्चना सोनी के तौर पर हुई है। मृतका का 1 जनवरी को जन्मदिन भी था। जानकारी के अनुसार अर्चना अपने पति वीरेंद्र के साथ किराड़ी अमन विहार इलाके में रहती थी। दोनों ने 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था और फिर परिवार से अलग होकर रह रहे थे। वीरेंद्र घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अर्चना का जन्मदिन के दिन अपने पति के साथ बंगला शाही गुरुद्वारे आई हुई थी। फिर दोनों कनॉट प्लेस घूमने के बाद स्कूटी से वापस लौट रहे थे। रंजीत नगर इलाके में मेट्रो पिलर संख्या 200 के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दिया। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि वीरेंद्र मामूली रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अर्चना को मृत घोषित किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया और लापरवाही से वाहन चालन की धारा मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश कर रही है। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सिंह के साथ दौलत शर्मा की एक खास रिपोर्ट।